हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम तवा पनीर मसाला बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल में 2 चम्मच पानी निकला हुआ दही, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच डालकर मिला लेंगे। अब इसमें 250 ग्राम कटा हुआ पनीर डालेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे पनीर पर दही की हल्के हाथों से ही कोटिंग करेंगे, नहीं तो पनीर टूट सकता है। अब इसे 1/2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, चलिए पनीर को एक बार फिर चला लेते हैं। हमने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब पनीर को हम तवे पर तल लेंगे। पनीर के टुकड़े को एक एक कर तवे पर रखते जाएंगे। अगर आपको तेल कम लगे तो आप थोड़ा सा तेल ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। सारे पनीर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब गैस बंद कर देंगे। पनीर तो फ्राई हो गए हैं, अब ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक पैन लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 गोल्डन ब्राउन होने देंगे। प्याज 1/2 गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें 4 से 5 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें 1 कप टमाटो प्यूरी डालेंगे और मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर मिला लेंगे।
टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए। हम इसे अच्छे से पकने देंगे। टमाटर भुन गया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर से अच्छे से पकने देंगे। सारा पानी सूख गया है, अब इसमें फ्राई करे हुए पनीर डालेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे और मिला लेंगे। अब इसमें एक चम्मच क्रीम डालेंगे। और अच्छे से मिलाकर गैस को बंद कर देंगे। गार्निशिंग के लिए ऊपर से कटी हुई धनिया की पत्ती डालकर मिला लेंगे। तवा पनीर मसाला बनकर तैयार है। आप इसे नान या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।